जैन सिंह, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक क्लास 2024 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार आईटीआई और बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम बहुत ही जल्द होना है, इसी को देखते हुए हम लोग डेली क्लास देख रहे हैं शाम में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए, बहुत ही कम बच्चे जुड़ रहे हैं। हालांकि क्लासेस में मैंने बीच में कुछ बंद भी कर दिए थे और लाइव क्लासेस डेली नहीं हो पा रही थी, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइव क्लास होते रहेंगे डेली, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेंशन किया गया ब्रह्मा समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है, सिंपल सी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पूछा गया कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्यों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था जो कि बहुत ही आगे चलकर फेमस हुआ। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ है, कभी कभी ये आपको डेट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप इस डेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो कि साइंस का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, कौन सी वो धातु है चारों ऑप्शन में से जो कि मिश्रित नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं टाका, कासा, पीतल या फिर चांदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चांदी। चांदी जो है आपको मिश्रित धातु नहीं है, इसका जो संकेत होता है ये होता है Ag, ठीक है, ये मिश्रित धातु कोई नहीं है, लेकिन पीतल हो गया, कासा हो गया, टाका हो गया, ये सब मिश्रित धातु है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। एक खोज किया गया था कोपरनिकस के द्वारा, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ए पूछ लिया जाता है कि जो न्यूटन के नियम दिए गए थे इसमें तीन नियम तो जरूर थे, और बताइए कि न्यूटन ने कौन से पुस्तक लिखे थे, तो न्यूटन से संबंधित आप एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जो कि था प्रिंसिपिया, जो कि बहुत ही फेमस था। इसके अलावा न्यूटन ने कैलकुलस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वास्को डी गामा जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी मालूम है तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन के अनुसार इसे हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है, पेटीएम बिल्कुल डिजिटल लेन देन है, क्रेडिट कार्ड ये भी आपको डिजिटल लेन देन है, और एटीएम ये भी है, लेकिन नगद जो लेन देन है इसे हम लोग डिजिटल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मुझे 500 रुपया दिया या फिर मैंने आपको 500 रुपया दिया, ये आपको डिजिटल नहीं हुआ, ठीक है, कैश के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देखें मेंशन किया गया, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा जो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, मूत्रवाहिनी बिल्कुल है, मूत्राशय भी है और मूत्र वर्ग भी है, लेकिन जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है ब्रंकाई, ये कोई आपको मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। पौधों में जो जलों का परिवहन का कार्य करता है उसे हम लोग जाइलम के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसके अलावा भी आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि पत्तों का रंग क्यों हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट का कारण, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एक रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो हिस्ट्री से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि डायरेक्ट आपको ईयर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि प्लासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, ये आपको लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि आप इस बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा
2024 के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चस्सू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और देखिए, संपूर्ण गाइड बुक है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है जो कि चस्सू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें आपको 3200+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 500 पेपर देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस बुक को नज़दीकी मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया बिस्मिल्ला खां, रविशंकर, हरि प्रसाद या फिर लतीफ खान। तो जो बिस्मिल्ला खां थे बहुत ही फेमस मशहूर शहनाई वादक थे, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बिस्मिल्ला खां से संबंधित आपको एक बात और याद होना चाहिए कि इन्हें 2001 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता। तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, रबी फसलों की बुआई कौन से मंथ में की जाती है, कौन से महीने में की जाती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखिए रवि फसल और खरीफ फसल संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि रवि फसल होती कौन सी है। रवि फसल जैसे कि गेहूं हो गया, इसके अलावा चना हो गया, ये सब रवि फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसकी जो बुवाई है ये आपको अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और देखिए क्वेश्चन मैं आपको हार्ड इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड पूछे नहीं जाते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, यानी कि स्वर्ण यानी कि सोना, सोना का जो आणविक सूत्र है ये क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि सोना का सूत्र क्या है, सोना का आणविक सूत्र क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया सोना का आणविक सूत्र क्या है, तो ये होता है AU। ठीक है, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। AG आपको ये चांदी का है और AL ये आपको एल्यूमिनियम का है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आप अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बहुत जल्द मैराथन भी आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, बिहार ITI और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है, चलिए हम उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।